आपके साथ सबसे आसान बर्थडे केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं बिना ओवन, बिना बटर, बिना मैदा, बिना सूजी, बिना कंडेंस मिल्क, बिना दही, बिना क्रीम, बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा के केवल 3 चीज़ों से बना के तैयार करूँगी। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। केक बनाने से पहले सबसे पहले हम केक टीन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने केक मोल्ड ले लिया है और अब मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर दूंगी और फिर ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें बटर पेपर लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने बटर पेपर को इसी के साइज में कट करके लिया है। और गाइस, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपली आप इसे मैदा से भी डस्ट कर सकते हैं। और बटर पेपर लगाने के बाद फिर से इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूंगी। और अगर आपको बिना मोल्ड के केक बनाना देखना है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि बिना मोल्ड के आप केक कैसे बनाएं। और इस तरीके से हमारा केक टीन है तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड कर देते हैं। अब इधर हम बैटर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट लिए हैं, तो 2 पैकेट तो मैंने 30 रुपए वाले लिए हैं और ये वनीला फ्लेवर के हैं। आप चाहें तो यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर के भी बिस्किट ले सकते हैं। और साथ ही में जो 2 पैकेट मैंने लिए हैं वो 10-10 रुपए वाले हैं। अब हम इन बिस्किटों को रैपर से बाहर करके एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो गाइस, आप चाहें तो किसी भी तरह के क्रीम वाले बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी बिस्किट हैं हमने रैपर से बाहर करके ले लिए हैं। अब एक दूसरा बोल ले लूंगी मैं और इस तरीके से बिस्किटों को ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए इनकी जो क्रीम है उसे अलग करती जाऊंगी दूसरे बाउल में, तो ये बेहद ही आसानी से निकल आती है। तो इसी तरीके से सभी बिस्किटों की हम क्रीम है ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे बोल में। तो यहाँ पर मैंने क्रीम निकाल के ले ली है। मैं क्रीम को साइड कर देती हूँ और इस तरीके से अब बिस्किटों को मैं टुकड़ों में तोड़ लूंगी। इससे क्या होगा, जब हम बिस्किटों को पीसेंगे तो ये आसानी से पिस जाएंगे। हमें बिस्किटों का पाउडर बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर सभी बिस्किट मैंने क्रश करके ले लिए हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सर जार में डाल के इनका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बिस्किटों को पाउडर बना के ले लिया है और गाइस आप देख सकते हैं एकदम फाइन पाउडर बना है। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, तो गाइस काफ़ी लोगों की मेरे से शिकायत आती है कि जब वो ओरियो बिस्किट का केक ट्राई करते हैं तो वो थोड़ा सा नमकीन रहता है। तो गाइस, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो जब आप बिस्किटों को पीस रहे हो तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच चीनी ऐड कर दीजिएगा, इससे आपका केक है वो और मीठा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3/4 कप दूध। तो यहाँ पर जो दूध मैंने लिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारा बैटर है बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें से 2 चम्मच बैटर है निकाल लूँगी, इससे मैं आगे की डेकोरेशन करूँगी केक की। तो केवल 2 चम्मच निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। अब इधर गैस पर मैंने पतीला रख दिया है केक को बेक करने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कटोरी नमक। तो गाइज, मैं इस नमक को कई बार केक को बेक करने के लिए इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इसलिए इसका ऐसा कलर हो गया है। ये नॉर्मल वही नमक है जिससे हम घर पर खाना बनाते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद मीडियम टू हाई गैस पर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही प्रीहीट होने दूंगी, यानी कि गर्म करना है हमें इसे। अब इधर बैटर में मैं ऐड करूंगी 1 पैकेट इनो का। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो ऐड करने के बाद फिर हम इसमें 2 चम्मच दूध ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं इनो है एकदम रिएक्ट करने लगता है जैसे ही हम इसमें दूध ऐड करते हैं। और फिर हम इसे अच्छे से फटाफट मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे का एकदम स्मूथ बैटर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बैटर है बनके तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ रही है इसकी। इतने से बैटर को बनाने में हमने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है और अब हम फटाफट से इस बैटर को केक टीन में ट्रांसफर कर देंगे। और केक टीन में बैटर को ट्रांसफर करने के बाद इस तरीके से हाथों से इसे टैप कर देंगे, इससे क्या होगा, बैटर में जो भी बबल्स बचे होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और अब इधर जो पतीला हमने प्रीहीट होने के लिए रखा था वो भी प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें इस तरीके का वायर रैक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम इसमें मोल्ड रख देंगे।
और मोल्ड रखने के बाद इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 40 से 45 मिनट के लिए ऐसे ऐसे ही बेक होने देंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को पहले तो 5 मिनट के लिए हाई रखना है, उसके बाद हम फ्लेम को धीमा कर देंगे जब हम केक को बेक करेंगे। जब तक हमारी केक बेक हो रही है हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इधर मैंने बोल में ले लिया है 1/4 कप गर्म दूध। अब मैं इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास साबुत चीनी है तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो दूध की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी दूध की चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड कर देते हैं। अब इधर जो हमने क्रीम निकाल के ली थी बिस्किटों से वो ले ली है मैंने यहाँ पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 चम्मच गर्म दूध। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, केवल 2 चम्मच ही ऐड करेंगे और फिर हम इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। तो स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी रफली लगेगी, यानी कि दानेदार लगेगी, और जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे तो ये क्रीम का टेक्सचर लेती जाएगी। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे फेंट लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम को फेंटते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसका टेक्सचर एकदम क्रीम जैसा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ही मिल्क पाउडर ऐड किया है और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस मैं बता दूँ आपको कि जो मैं केक की प्रिपरेशन करने वाली हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा करने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप इस पर फ्लावर या फिर कोई और डिज़ाइन नहीं देने वाले हैं केक पर तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड नहीं कीजिएगा, आपका काम इतनी सी क्रीम में ही हो जाएगा। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफी और एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर इसका आ चुका है। तो अब हम इसको साइड कर लेते हैं और फटाफट से हम केक को चेक कर लेते हैं। तो इधर 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं केक फूल के दुगना हो चुका है, लेकिन अब मैं इसे चेक करूंगी। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर टूथपिक ली है, आप चाहें तो यहाँ पर चाकू ले सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी केक है एकदम परफेक्ट बेक हुई है। अगर आपको लगता है कि टूथपिक या फिर चाकू में बैटर चिपक के आ रहा है तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दूंगी और केक को अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूंगी, यानी कि इसे बढ़िया से ठंडा कर लेना है, गर्म नहीं रहना चाहिए ये। तो यहाँ पर जो हमारा केक है ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये अच्छे से वो छोड़ देता है। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से केक है मोल्ड से बाहर आ चुका है। अब जो बटर पेपर हमने लगाया था उसे निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक हमारा बनके तैयार हुआ है और काफी अच्छे से ये फूला है। अब मैं इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसे कट कर दूंगी और ये बहुत आसानी से कट रहा है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक हमारा बनके तैयार हुआ है। और अब मैंने जो दूध की चाशनी बना के तैयार की थी, यानी कि शुगर सिरप, अब मैं इसे इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूंगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे चम्मच से भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसे फैला देना है। इससे क्या होता है, जो हमारा केक है वो आसानी से ड्राई नहीं होता, यानी कि सूखता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अच्छे से दूध है लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दूंगी जो मैंने बना के तैयार की थी और इस तरीके से इसे फैला दूंगी। अच्छे से फैला देना है इसके ऊपर। और ऊपर से फैलाने के बाद फिर हम इसके साइड में भी इसे अच्छे से लगा देंगे, यानी कि अब हम केक को पूरी तरीके से क्रीम से कवर कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने केक को अच्छे से क्रीम से कवर कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर बाकी की बची हुई क्रीम को इस तरीके से पाइपिंग बैग में भरकर इसमें नोजल लगा लिया है फ्लावर वाला। अब मैं इसे इस तरीके से डिजाइन कर दूंगी, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने इसमें फ्लावर बना दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है 5-5 रुपए वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। अब मैं इन्हें टुकड़ों में तोड़ लूँगी और उसके बाद इन फ्लावरों पर इस तरीके से इन्हें लगा दूँ। तो आप देख सकते हैं सस्ते में हमारी महंगी सी डेकोरेशन हो रही है। अब मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट का पेस्ट ले लिया है जो हमने बैटर में से निकाल लिया था 2 चम्मच। इसे भी मैंने कोन में इस तरीके से भर के लिया है। अब मैं इस तरीके से इसके साइड में ये डिज़ाइन दे दूंगी जिससे एकदम ये चॉकलेट की डिज़ाइन लगेगी और साथ ही में हमारी केक देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो ऊपर से इसे लाइन बनाने के बाद हम साइड में भी इसे डिज़ाइन कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं सिंपल सी डिजाइन है हमारी बनके तैयार हो चुकी है और अब ये एकदम केक की शेप में आ चुकी है। अब मैं इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख दूंगी। अगर आप इसे एनिवर्सरी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। अब बाकी के ऊपर का जो साइड बचा हुआ है वो मुझे खाली खाली लग रहा है, तो मैं उसे चॉकलेट से डेकोरेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अलग से चॉकलेट इस्तेमाल नहीं की है, जो मैंने 5-5 रुपए की चॉकलेट ली थी उन्हीं में से एक दो टुकड़े बच गए थे, उसे मैंने चाकू से कट करके लिया है, जिसे मैंने साइड में इस तरीके से डाल दिया है। ये लीजिए, केवल 3 चीज़ों से बना हुआ बर्थडे केक है हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मैं इसकी कटिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे किसी को गिफ्ट करूँगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नई और यमी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।